हमारा अगला जोडिक साइन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी के बुचे अक्रम, और तमाम ऐसे अफराद जिनके नाम का पहले हर्फ नून ज़ाल ज़वाद या ज़ोए से शुरू होता है, ये वो लोग जिनको कि अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, ये उनके लिए हरूफ से है कि वो हरूफ से देखें। मुझे अक्सर सवाल होता है कि जी हमारा साइन बता दें, नाम से क्या है और डेट ऑफ बर्थ से क्या है, या कि ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें डेट ऑफ बर्थ पता नहीं तो हम अपना कौन सा बुर्ज और सितारा देखें। देखिए जिनको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म है उनको मैं ये कहूँगा कि आप 23-24 अक्टूबर से 23-24 नवंबर तक जो है ये स्कॉर्पियो आता है, और ऐसे तमाम अफराद जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है वो नाम के कैपिटल वर्ड नून ज़ार ज़वाद या ज़ोए से अपना वो जो है वो देख सकते हैं। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट वबाल में आपके जायचे के सातवें घर, तो आपकी अपनी शख्सियत इस वक्त दाव पे है, आप कदरे ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं और आपके शांति ज़वाजी तल्लुका जो है वो मुतासर हो रहे हैं। तो मैं पहले भी कह चुका एक बार फिर कहने लगा हूँ, आप एक जो है वो कॉरल पहने अपनी रिंग फिंगर में पहने, अगर आपकी खातून है तो इसको गोल्ड में पहनना आपके लिए मुबारक साबित होगा इंशाल्लाह, और अगर आप मेल हैं तो चांदी में पहने, अगर आप कोई खातून हैं और आप गोल्ड फुल नहीं करते तो आप चांदी में भी पहन सकते हैं। करेगा क्या ये आपको, मास की जो नेगेटिविटी है उसको उससे सिक्योर करेगा, आपको आपको रेस्क्यू करेगा, आपको बाहर निकलने में मदद देगा। मैं पीछे मेरी फैमिली का एक मेंबर उसके साथ यही था, कोरल जनाब उसका कुछ दिन के लिए हमने उतरवा दिया, नई रिंग बनने दी, मैं ये वक्त देख रहा था तो मैंने उसकी गोल्ड की रिंग बनने के लिए भिजवाई, तो जितने भी कोरल नहीं आया घर का माहौल डिस्टर्ब भी रहा, तो जब कोरल पहन लिया तो सारा कुछ ऐसे जैसे रिवर्स होके बैलेंस हो गया। मेरी ये वीडियो इंशाल्लाह मेरा फैमिली का फर्क भी देखेगा और सेकंड करेगा, अब उसको अंदाजा होगा कि हमने क्या किया था और क्यों किया था, तो वो हमने उसको रिवर्स कर लिया, वो सिक्योर कर लिया। मार्स आपका जो रूलिंग प्लैनेट है अगला बहुत अरसे कई महीने भी नेगेटिव रहने वाला है, तो बेहतर होगा कि आप एक कॉरल पहन लें, आप थोड़ा सा खर्च करके बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बचा लेंगे। इस हवाले से आप मेरा पेज जो फेसबुक पे जावा जेम्स है आप वो विजिट कर सकते हैं। माली मामला आपके पिछले कई अरसे से बहुत अच्छे चल रहे हैं और इस हफ्ते भी आपकी जो नजरात हैं वो बहुत अच्छी हैं, परवरदिगार आपको खैर बरकत दे। माली वाले से मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल कम्फर्ट जोन में, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस हो, आपके सोशल लाइफ बहुत अच्छी है, नज़दीकी सफ़र अजीज़ोकार बहन भाई के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं इस हफ्ते, इसी तरह प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए ये हफ्ता बहुत ही मुबारक है आपके लिए, जगह देख लें, चेंज करें या ना करें जगह देख लें और कुछ सिलसिले को लेकर चलें, मामला अगले हफ्तों में जाकर उसको क्लियर कर लें और आपके लिए ये करना बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। और स्पेशली अगर आप कुछ तब्दीली चाहते हैं यानी आप स्विच करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो भी ये एक बहुत अच्छा वक्त है। कई ऐसे हमारे अहबाब के जो इंस्टॉलमेंट पे अपनी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा वक्त और एक अच्छा हफ्ता है। मंगनी आपके लव अफेयर्स, आपके बच्चे, ये सेक्शन आपका बहुत अच्छा नहीं है, और अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं स्केल 12 से 14 की तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा वक्त नहीं है। आपको चाहिए कि आधा किलो मूंग साबत का बुध वाले दिन सदका दें और लाजमी दें। मरकरी की रेट्रोग्रेशन और हबूत आपके जायचे के पांचवें घर में, ये आपके लिए कतई मुनासिब नहीं है और आपकी बनी बनाई बातें जो है बिगड़ सकती हैं, आपकी मंगनी तयशुदा मंगनी भी जो है वो कुछ गलत फहमियों और अफवाहों की नजर होके तो खत्म हो सके, आपको एहतियात करनी होगी। आपके बच्चों में जिद का आंसर भर रहा है, गुस्से का आंसर भर रहा है और वो मिसकम्युनिकेशन की तरफ जा रहे हैं, आपसे अपनी चीजें छुपा रहे हैं, तो उनको आपके कुछ ज्यादा तवज्जो की जरूरत होगी, यहाँ पे आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। आपकी सेहत और आपकी जॉब दोनों बहुत अच्छी पोजिशन में नहीं है, आपके शांति तरीका भी मैं आपको बता चुका, किसी भी वाले से जॉब स्विच करने से कतई गुरेज कीजिएगा, स्पेशली 13 तारीख को ऐसी किसी भी एक्सरसाइज से आपको गुरेज करना है। आपके बैरून मुल्क सफर के हवाले से आइडियल सिचुएशन,
सुसाली जोकर के साथ ताल्लुकात, स्पिरिचुअलिज्म, यहाँ पे आपका इस तमाम हफ्ते फोकस रहेगा और मेल मिलाप भी रहेगा और आपको चीज़ें नई जो है वो मिलेंगी स्पिरिचुअलिज्म के वाले से स्पेशली। ये बहुत ही अच्छा वक्त है और आपके जो सुसाली अजीजों का रब है उनकी वजह से आपके अगर कोई हालात कशीदा भी थे अपनी मिसेस के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, तो उसको भी बेहतर करने का आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। आपकी मदर इन लॉ के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे बनते नजर आ रहे हैं, तमाम हफ्ता अच्छा है। कैरियर रोजगार के हवाले से एक अच्छा दिन है। वालिद के साथ आपकी जो है वो फ्रेंडशिप जो है वो डेवलप हो रही है, ये डेवलप हो रही है, मैंने कहा फ्रेंडशिप तो ऑलरेडी हो सकती है, और अगर आपकी बॉन्डिंग अपने वालिद के साथ बहुत अच्छी नहीं है तो इस हफ्ते इंशाल्लाह इस हवाले से भी आपको कुछ बेहतर सूरत हाल जो है वो मिल सकती है। आपके ख्वाहिशात और दोस्त अहबाब से मुतल्लिका मामला आपके अच्छे नहीं है, आपकी ख्वाहिशात के अगेंस्ट कुछ मामला चल रहे हैं और आप जो अपने फ्यूंसी से जो तवक्कात रख रहे हैं वो कम्प्लीट होती नजर मुझे नहीं आ रही, तो अगर आप अपनी ख्वाहिशात को इस वक्त थोड़ा महदूद कर लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इमिग्रेशन, और अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं तो जगह की तब्दीली, सवारी की तब्दीली, ये इसके लिए वक्त एक अच्छा आपकी पोजीशन बन रही है, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं और या आपको वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए इंशाल्लाह इस हफ्ते आपको काफ़ी बेहतर सिचुएशन जो है वो अवेलेबल रहेगी, आपके लिए माहौल काफ़ी साजगार होता नज़र आ रहा है। एंड पे इसका सबका समअप